हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कम समय और सिर्फ 3 चीजों से बेकरी जैसा केक बना के दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए पहले हम एक पतीले में डालेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम और उसे ब्लेंड करेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर ना हो तो आप इसे मिक्सर का ब्लेंडर वाला जार आता है उसमें ब्लेंड कर सकते हो। इस तरह हमें 4 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करना है। इसकी इस तरह की हार्ड पिक्स आने तक इसे ब्लेंड करें। अब इसमें ऐड करें 1/4 टीस्पून वैनिला एसेंस। आप चाहो तो दूसरा कोई भी फ्लेवर या एसेंस ऐड कर सकते हो। अब फिर इसे हमें 1 से 2 मिनट तक ब्लेंड करना है। तो व्हिप क्रीम रेडी है, तो चलिए केक बनाते हैं। इसके लिए आज मैं ब्रेड का इस्तेमाल करूंगी। तो पहले हमें ब्रेड की स्लाइसेस लेके उसकी साइड्स को कट कर लेना है। आप इन कटी हुई साइड्स का ब्रेड क्रम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और ब्रेड केक बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ब्रेड फ्रेश होना चाहिए, तभी केक अच्छा बनेगा। इसी तरह सभी ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर ले। अब एक प्लेट को उल्टा रखें और उस पे इस तरह से थोड़ा सा व्हिप क्रीम लगाएं। ऐसा करने से ब्रेड की स्लाइसेस का अच्छा बेस बन जाएगा। अब इसके ऊपर ब्रेड की कटी हुई स्लाइसेस इस तरह से अरेंज करें। ये मैंने मिक्स फ्रूट जैम में थोड़ा सा पानी डाल के इसका सिरप बना लिया है। इसे ब्रेड पे इस तरह से चम्मच या ब्रश की मदद से स्प्रेड करें। अगर आपके पास कोई भी फ्रूट क्रश हो तो उसे भी यूज कर सकते हैं। अब फिर से ऊपर से डालें व्हिप क्रीम और नाइफ से इवन स्प्रेड करें। इसी तरह सेम स्टेप्स फॉलो करें। इसी तरह की मैंने 5 लेयर बनाई हैं। आप आपके हिसाब से लेयर बनाएं। पूरे लेयर्स कंप्लीट होने के बाद हमें इसे अच्छे से व्हिप क्रीम लगाते हुए स्क्वायर शेप देना है। तो हमारा केक रेडी हो चुका है। तो इसे डेकोरेट करते हैं चेरी और स्प्रिंकलर से। आप इसको आपके हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो 20 मिनट में रेडी है इंस्टेंट केक। देखिए इसे मैं कट करके बताती हूँ आपको। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये और लेयर्स भी कितनी अच्छी आई है। जब आपको जल्दी में केक बनाना है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नरगिसी किचन।